मेरा नाम आशा पाल है और मेरी उम्र 33 साल है। मुझे 6 साल से गठिया है और मैं इस दर्द से बहुत परेशान हूँ। पहले मैंने अंग्रेजी यूनानी बहुत दवाइयाँ खाई। अच्छा, आपने यूनानी दवाई खाई थी, उससे आपको तुरंत आराम हो जाता था? हाँ जी। कोई पुड़िया सी आपने बताई ना जिसको खाने के बाद तत्काल आपको आराम होता था? हाँ जी। अच्छा, वो पुड़िया देते थे, वो कितने रुपए की पुड़िया थी? सर वो 1 हफ्ते की दवाई 100 रुपए की देते हैं। और उससे खाते ही आपको आराम हो जाता था? अगले दिन सूजन और दर्द बिल्कुल कम हो जाता था? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जब आपने दवाई छोड़ी तो फिर क्या हुआ आपको? सर फिर से वही दर्द और ज्यादा बढ़कर होने लगा और बदन में सूजन ज्यादा बढ़ गई। हाँ जी। उसके बाद आपने जो है ये यूनानी दवाई के बाद फिर आपने आयुर्वेदिक की दवाइयाँ खाई उसके बाद? हाँ जी, आयुर्वेदिक दवाई खाई है आपने और जांचें भी कराई आपने। हाँ जी। तो आपको किसने बताया कि आपको गठिया है? ऐसा कैसे पता चला कि आपको गठिया है? सर जब टेस्ट करवाए तो उसमें आया। अच्छा, टेस्ट से आपको पता चला कि आपको गठिया है? हाँ जी। अच्छा, वो उसके बाद जो भी आप दवाई खा रहे हैं, जो यूनानी वाली जो दवाई थी, जो जिससे जो वो आराम मिलता था, वो किसी से आपको नहीं मिल रहा होगा? हाँ जी सर। है ना? हाँ जी। और जो भी आप दवाई खा रहे हैं उससे उतना आराम नहीं मिल रहा होगा जो यूनानी वाली दवाई से खा मिल रहा होगा? हाँ जी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी मर्म चिकित्सा दिया इससे पहले 3 दिन पहले ना? हाँ जी। और आप आज तीसरी बार आए हैं मर्म चिकित्सा के लिए। हाँ जी। पहले दिन देने के बाद आपको आराम हुआ था? हाँ जी सर, एक पैर में मेरे बहुत दर्द था, चल भी नहीं पा रही थी और उसके बाद मैं चलने लग गई। चलने लग गए आप? ठीक है, आपको हम आज दोबारा मर्म चिकित्सा को देंगे और आज हम बिंदु भी बताएंगे आपको ताकि आप उसको नियमित रूप से अभ्यास कर सकें। ठीक है जी सर। तो मित्रों, ये आशा नाम की जो मरीज जो 33 साल की उम्र की थी, ये गठिया यानी आमवात जिसे मॉडर्न डायग्नोसिस में रिमेटॉइड आर्थराइटिस
कहा जाता है उससे पीड़ित है और ये हमारे पास आई। लेकिन हमारे पास आने से पहले ये 6 महीने तक ये किसी स्थानीय चिकित्सक के पास गई, जिस चिकित्सक ने इसे एक पुड़िया में दवाई दी और उस पुड़िया को खाने के बाद इनका कहना था कि तत्काल आराम मिल जाता था दर्द और सूजन में, और जिससे यह अपनी दैनिक दिनचर्या की गतिविधियाँ पूरी तरह कामयाबी से कर पाती थी। 6 महीने तक वो दवा लेने के बाद 100 रुपये की वो दवा आती थी और 1 महीने चलती थी। बड़ी सस्ती दवा थी, बहुत ही आराम मिल रहा था, बड़े प्रसन्न थे मरीज, उनके अभिभावक भी बहुत प्रसन्न थे। लेकिन 6 महीने के बाद जब इन्होंने इस दवा को बंद किया किसी के सलाह पर कि आप उस दवा को ना लें, तो इनके बदन में अचानक से बहुत सूजन आ गई और साथ साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हुए। मासिक धर्म भी बिगड़ गया, शुगर लेवल भी बढ़ गया। उसके बाद यह चिकित्सक हमारी क्लिनिकल ओपीडी में आई। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कोई भी दवा आयुर्वेद के नाम पर यदि कोई भी चिकित्सक किसी भी विधा का है यदि दे रहा है और यदि उस दवा पुड़िया में उस दवा का नाम नहीं है, तो आप निश्चित मानिए कि उसमें कोई ना कोई अंग्रेज़ी दवा मिलाई गई है। जैसा कि इस मरीज ने जो गठिया की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी और यह पुड़िया को लेते ही तत्काल इसके दर्द और सूजन में आराम हो जाता था, तो यह निश्चित रूप से वह कार्टिकोस्टीरॉइड मिलाई हुई थी। ऐसे जो इस प्रकार से आयुर्वेद की चिकित्सा को बदनाम करने वाले तस्कर वृत्ति चिकित्सक या छद्मचर चिकित्सक आज छोटे छोटे कस्बों में पुड़िया के रूप में दवाएं दे रहे हैं, जिससे स्थानीय जो रोगी हैं उनकी जानकारी के अभाव के कारण वह उनके पास जा रहे हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से कर पाने के कारण उन दवाओं का लगातार सेवन कर रहे हैं और इस दुष्चक्र में शामिल हो जा रहे हैं, जिसके कारण लगातार उन दवाओं के सेवन से वो फिर उनके साइड इफ़ेक्ट को झेलने के लिए विवश हो जा रहे हैं। तो मेरा आपको इस मरीज़ के माध्यम से एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि यह मरीज़ एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो इस प्रकार की पुड़ियाओं के चक्कर में आ रहे हैं जिनमें अंग्रेजी दर्द निवारक दवा या कार्टिकोस्टीरॉइड मिली हुई है। कृपया किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से यदि आप दवा लें, तो आप पुड़िया में जो दवा लिखी गई है उस दवा का नाम पर्चे पर अवश्य लें। यदि वह चिकित्सक आपको दवा का नाम देने से मना करता है, तो आप उस दवा को ना लें, क्योंकि आपको यदि वह पुड़िया में बगैर नाम के दवा दी जा रही है, तो निश्चित मानिए कि उसमें कोई ना कोई दर्द निवारक या फिर स्टीरॉइड मिला है। हालांकि यह सत्य है कि आयुर्वेद में भी दर्द निवारक दवाएं गुगुलू के रूप में हैं, लेकिन वह नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त स्टीरॉइड्स हैं, फाइटोस्टीरॉइड्स हैं, जो शरीर में नुकसान नहीं करती और इनको लेने में आपको तत्काल उतना आराम नहीं मिलेगा। लेकिन जो अंग्रेजी दर्द निवारक दवाएं हैं उनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस तरह की दवाओं पुड़ियाओं को लेने से बचें, और इस तरह के मरीज जब हमारे पास आते हैं तो हमें, चाहे हम कितने भी अच्छे चिकित्सक हों, हमें उन्हें ठीक करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें उन दवाओं के दुष्प्रभाव से उस मरीज को निकालना होता है, डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आप किसी भी चिकित्सक के पास जाएँ तो आप पर्चा और दवा का नाम अवश्य लें। बिना दवा का नाम उद्धृत किए हुए पुड़िया को लेना और देना, यह दोनों ही के हित में नहीं है।